जी बहुत सुंदर कथा आपने सुनाई, बहुत आनंद आया। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जब भी हम कथा में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो पूरे हम रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें मतलब अंदर उतर जाती हैं कि हाँ हमको प्रीचिंग में जाना है तो अहंकार नहीं होना चाहिए ये चीज की, हमारे भक्त, लेकिन वो कहीं ना कहीं सटल माइंड में आता ही रहता है। और अक्सर मतलब जब भक्तों का संग छूटता है, अलग होते हैं, बहुत एक संसार में जाते हैं, जैसे जॉब पे जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं, बिल्कुल मतलब फ्लश आउट हो जाता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि वो चीजें हमें हमेशा याद रहे, भगवान हमें हमेशा याद रहे और ये बातें हमेशा याद रहे। टीचिंग की श्रवण क्रिया अच्छी है, उसको कभी अहंकार नहीं। जैसे आज आपने कहा हमने हरि कथा सुनी तो हमें अच्छा लग रहा है, हमारी प्रगति करने का मन कर रहा है भक्ति के रास्ते पर, तो हरि कथा का श्रवण ही मात्र एकमात्र रास्ता है जो हमारे सूक्ष्म अहंकार की ग्रंथियों को नष्ट करता है। कहते हैं ग्रंथ ही ग्रंथि को काट सकते हैं, जितना ज्यादा हम ग्रंथ में प्रवेश करेंगे उतना ही ग्रंथि विहीन होंगे, वरना हम जितना जितना पढ़ेंगे कम, टंकी में पानी तो कम भरा है और थैला ज्यादा रहे तो एक समय पर टंकी में पानी खत्म हो जाए। तो टंकी में अगर पानी बहुत भरा हो तो आदमी को टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता है। तो अपना श्रवण के माध्यम से दोनों कर्ण पुटों के अंदर खूब सारा जल हरि कथा का भरना चाहिए, ताकि हम किसी को भी वर्षा करें तो उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके, इतना जल हो। ऐसा ना हो कि कुछ काल तक तो दिया उसके बाद ड्राई हो गया, क्योंकि पानी टंकी नहीं थी, क्योंकि हमने कभी कर्ण श्रवण करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो पहले सुन लिया, ट्रेनिंग शुरू में हो गई, अब छोड़ दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं चाहता हूं मेरे सभी शिष्य आजीवन काल गुरु बनने के बाद भी शिष्य ही रहे। तो हमें भागवत का शिष्य रहना चाहिए, गीता का शिष्य रहना चाहिए, इसको आजीवन काल पढ़ते रहे, सुनते रहे, ध्यान पूर्वक डेली का नियम बनाना चाहिए, आधा घंटा तो कम से कम सुनना और आधा घंटा कम से कम पढ़ना। अगर ये मिस हो गया श्रवणम कीर्तनम तो विष्णु स्मरण कैसे हो, ये क्रिया है। स्मरण होने के लिए श्रवण कीर्तन, आप देखेंगे उसी पल अहंकार मुझे तो पकड़ता है जिस पल श्रवण कीर्तन बिगड़ता है। श्रवण कीर्तन अगर अच्छा चल जाए, जैसे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है मैं बैठ जाता हूँ सारी सेवा छोड़ के, बोले अभी कुछ नहीं, पहले 2-4 घंटे भागवत पढ़ेंगे, कुछ हरि कथा सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़े, कुछ मिनियल सर्विस करनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग जब सीनियर हो जाते हैं तो हमें लगता है अब हम प्रसाद पाने के लिए बने, हम बांटने के लिए नहीं बने, तो हम तुरंत ही लोग माता जी प्रभु जी करके प्लेट ले आते हैं, प्लेट उठा लेते हैं, तो हम भी कमर दर्द करती है, अब हमारी बुढ़ापा भी आ जाता है, एज भी बढ़ जाती है, तो हमें लगता है इजी गो हो गया। लेकिन नहीं, कभी कभी समय निकालकर बाल्टी उठाकर थोड़ी हल्की जो जल की जाए, छोटा जो भी, तो थोड़ा सा 10 भक्तों को ही दे, लेकिन थोड़ा दे, उसको देने से अहंकार चला जाए। कहीं आप गए हैं, भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, झाड़ू उठा लीजिए, थोड़ा सा सफाई कर दीजिए, भक्त बोलेंगे नहीं नहीं माता जी आपने मुझे भी तो करना, थोड़ा सा इसको करने से, छोटी सेवाएं करने से बड़ा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो हरि कथा और हरि सेवा, यह दो चीजें ऐसी हैं जो अहंकार की ग्रंथि नष्ट करती हैं और हमें प्रेरणा देती है भक्ति में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक और प्रश्न जी, जैसे मतलब बहुत एक संसार में जैसे जॉब पे गए, कहीं गए बाहर, तो अभक्तों का संग बहुत मिलता है, तो उसमें उससे अगर हम उनसे मिल भी रहे हैं तो उनसे बचने का क्या उपाय है, जो हम रेगुलर उस प्रोसेस को करते रहे, तो उनके संग में रहते हुए उनके संग में ना रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी का। भौतिक संग में रहते हुए भौतिक संग में कैसे ना रहे, वो तो रहना ही पड़ता है, लेकिन एक चीज है जिसको कहते हैं मन। मन एक ऐसी चीज भगवान ने दे रखी है जिसके अंदर एक बटन है ऑन ऑफ। जब आपकी मन की बात नहीं हो रही हो तो आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ मोड में चला जाता है। मान लीजिए मैं यहां पर हूं और मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूं, जैसे कि मैं नहीं भी बोल सकता हूं, लेकिन मान लो मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूं और लोगों को नींद आ रही है और मैं बड़ा ही धीरे धीरे प्रवचन दे रहा हूं कि एक कृष्ण थे, मैं ही सो रहा हूं तो सब भी सोएंगे, तो ऐसे में क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऑफ हो गया। अब हम वो कुछ बोल भी रहा हो इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात वक्ता की सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन ऑफ हो गया। अगर कुछ अच्छी बात हो रही हो, हम ट्रेन में भी चल रहे हो और पीछे कोई बोल रहा हो कृष्ण ऐसा करते हैं, तो हमारा मन जाएगा कौन बोल रहा है कृष्ण के बारे में, क्योंकि हमारा मन कृष्ण को सुनना चाह रहा है, तो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक इतनी भीड़ में। तो जैसे ही मैं मतलब ये प्रक्रिया मैं जो अपनाता हूं कि जैसे ही मैं किसी ग्रुप में हूं, मैं हरि कथा कर रहा हूं, 5-6 लोग आ गए, पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी,
अजय मोदी जी ने ये करा था और राहुल जी ने ये किया था, अरे अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो इनको लाना है, ये करना है, वोट दिलाने हैं, इस बार बड़ा गलत हुआ, बांग्लादेश में आप क्या सोचते हैं, इसका क्या विचार करते हैं, उसका क्या सोचते, इतने से बातें कर लेते हैं, मतलब हरी कथा तो हो ही नहीं रही। तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, मेरा ऑफ हो जाता है, फिर बोलते प्रभु जी आपने सुना आपका क्या राय है, जो आपकी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा इंटरेस्ट होता है इसलिए हम कूद पड़ते हैं, कूद पड़ते फिर निकलना मुश्किल होता है, जैसे अभिमन्यु कूद गया था निकलना नहीं आता था उसको, तो चक्कर में खुद ही फंसते हैं। आप डाउन मत ना उसके अंदर, बाहर ही रहो, जैसे आपको पता चले कट ऑफ बैठे रहो। बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, मुझे पता चल जाता है ये व्यक्ति हरी कथा सुनने को इंटरेस्टेड है या नहीं, इंक्लाइंड है नहीं है, वो नहीं होता ऐसे चलो, फिर वो अपना बोलता रहता है हम वहां गए थे जी, वैष्णो देवी गए थे जी, हमने चंडी माता भी करी हुई है, हमने चार धाम किए हुए हैं, कृष्ण को भी हम मानते हैं, कहते आप कुछ बोल नहीं रहे, हरे कृष्ण, वो निकल जाता, समझता है तो इनको ज्यादा मालूम नहीं होती, ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। कहते हैं जो राम का नहीं वो हमारे काम का, जो श्याम का नहीं वो हमारे काम का, जो भगवान की भक्ति की बात नहीं कर रहा उसको त्याग देना ही समझ कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है जाके प्रिया नहीं राम विदेही, तजियो ताहे परम स्नेही। अगर वो राम विदेही यानी सीता राम का भक्त नहीं है, राधे श्याम का भक्त नहीं है, उसका परित्याग कर देना ही अच्छा है। अरे किसी ने किया, बोले हाँ बलि त्यागो गुरु, बलि ने किसको त्याग दिया, अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग, विभीषण त्यागो भ्रातरे, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, ध्रुव त्यागो मात पिता, ध्रुव ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, प्रहलाद त्यागो पिता, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है, तो हमारा कोई स्नेह भी क्यों ना हो लेकिन वो उल जरूर बात करे, स्विच ऑफ करे, बैठे रहो, उसकी बेइज्जती ना हो, उसको बुरा ना लगे, अंदर से बैठो, जब वो चल रहे बोले अच्छा हम चलते हैं, दो चार मिनट में लेफ्ट राइट हो जाते, आप इन्वॉल्व होंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, आप व्यवहारिक ज्ञान चलाना चाहेंगे, तो जब व्यवहारिक ज्ञान चलेंगे, ग्राम कथा चलाएंगे, तो हरी कथा बंद हो जाएगी और वही खींच लेती संसार में। तो जितना हो सके उतना जरूरी की बात करो, टमाटर कितने रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, सुन लिया सब्जी ले ली, अब आप बोलिए भैया आप ही भजन करो जीवन सुधर जाएगा, वो सुन ले अच्छा अच्छा मुझे बताइएगा क्या करना चाहिए, तो बताओ, वो बोले अरे हम तो जाते हैं ना वहां पहाड़ वाली के, उसी से हो जाता है हमारा, तो आप करो हरे कृष्ण हमको जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति से जब बात करने की क्या जरूरत, लोग लगे रहते हैं प्रीचिंग प्रीचिंग प्रीचिंग, प्रीचिंग करनी चाहिए उसको जो सुनने को तैयार, जो प्रबल हो, जो इंक्लाइंड हो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो, ये नहीं कि जब तक उसका गला दबा के घोटी नहीं डालेंगे तो भक्त नहीं बनेगा, तो तू मरेगा या तो हम मरेंगे, ऐसा नहीं, ये प्रीचिंग नहीं। प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवद गीता के 18वें अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रचार उसको करो जो स्वतः इच्छा से सुनना चाहे। मेरे भक्तों को हरी कथा सुनानी है, संसारी लोगों को एक बार बोलो हरी नाम लो तुम्हारा उद्धार होगा, थोड़ी काउंसलिंग कर दो, वो अच्छा फिर मैं क्या करूं, वो सुनने को तैयार हो, वगैरह हम जानते हैं जी, अरे ऐसे कैसे जानते हो, हम समझाएंगे तुम्हें क्या होता है जीवन, तुम तो मिट्टी में गिरे हुए हो जी, मैं तो अच्छा खासा मर्सिडीज में चल रहा हूँ, क्या मर्सिडीज है, नरक ले जाएगी, अरे कैसे नरक ले जाएगी, अरे तुम्हें क्या पता, एक छाती पे चढ़ गए पूरा लड़ाई, ये प्रीचिंग नहीं, विनम्रता से जो सीख जाए, हरे कृष्णा कट ऑफ। Thank you so much for this. Thank you.